खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत दौरे पर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मनोहर लाल। पानीपत पहुंचने पर मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत दौरे पर, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मनोहर लाल। पानीपत पहुंचने पर मनोहर लाल का स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल पानीपत दौरे पर, और पानीपत पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लिए हुए पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत आने वाले हैं, क्या कुछ फिलहाल तैयारियां, और ये भी बताइए कि आज क्या कुछ खास रह सकता है कार्यक्रमों में। साधन, देखिए जिस तरीके से करनाल के अंदर जीतने के बाद मनोहर लाल खट्टर को जो है केंद्र के अंदर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जैसा अनुमान भी लगाया जा रहा था, ऊर्जा मंत्री के साथ शहरी विकास मंत्रालय जो है उनको वो भी दिया गया है, और उसको लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एक एजेंडा घोषित किया था कि 100 दिन के अंदर आप अपने कार्यों को लेकर, वहीं प्रधानमंत्री ने मकानों को लेकर जिस तरीके से गरीब मकानों को लेकर दो करोड़ मकानों को लेकर घोषणा की है, तो उसको लेकर भी उनका एजेंडा जानना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, केंद्र ने उनको जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी के बाद वो पहला उनका दौरा है। देखिए करनाल भी जाएंगे, संभाल का भी रुकेंगे, कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की जिम्मेदारी है तो तमाम जो करनाल लोकसभा के यहाँ के लोग हैं वो उनका स्वागत करने के लिए तमाम जगह जो है वो खड़े हैं, उनसे मिलना चाहेंगे। वहीं लोगों को भी, पानीपत जो है इंडस्ट्री एरिया है, उसको भी ये लगता है कि इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, तो क्या कुछ सौगात मनोहर लाल यहाँ दे सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो एक बड़ी उम्मीद है। इसी को लेके कार्यकर्ता के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो उनके स्वागत में जो है वो रहेंगे। उनका कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, 8:30 बजे जो है वो समालका पहुंचेंगे। समालका उनका कार्यकर्ताओं के साथ जो समालका के तमाम बीजेपी के नेता है वो स्वागत करेंगे। उसके बाद जो है वो पानीपत आएंगे, पानीपत टोल प्लाजा के बाद जो है उनका स्वागत होना है। तो वहीं हम भी उनसे 100 दिन का जो एजेंडा जो प्रधानमंत्री ने एक दिया है सभी केंद्रीय मंत्रियों को, तो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। अब देखना यह है कि उसमें वो क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल, आप नजर भी बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का पानीपत दौरा है, और मेरे सहयोगी ने जानकारी भी दी है कि कई कार्यक्रमों में मनोहर लाल आज शिरकत करेंगे।